दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की टॉप अपडेट्स लेकर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आ गया हूं, जहां दोस्तों आपको बताने वाला हूं एक ऐसी अपडेट जिसको जानकर आप चौंक जाओगे। साथ ही टॉप अपडेट्स बताऊंगा, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। आईपीएल 2021 की बात करें तो दोस्तों शेड्यूल अब कभी भी बाहर आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे रूल्स बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने डिस्कस कर लिए हैं। वहीं दोस्तों आज की वीडियो में हम रोज की तरह बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स यानी हमारी प्यारी टीम केकेआर के बारे में। टॉप अपडेट्स बताऊंगा, क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, तो वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। काफी इंटरेस्टिंग, काफी अमेजिंग वीडियो होगी। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की बात करें तो इनको अब अपने शेड्यूल के अंदर काफी स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, तभी जाकर एक डिसिप्लिन ये मेंटेन कर पाएंगे और इसी के चलते ही आगे के मैचेस जीत पाएंगे। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है साथ में कितने मुकाबले केकेआर जीत पाएगा। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है शुभमन गिल को लेकर। दोस्तों रिसेंटली आप सभी को ये न्यूज़ तो अपडेट पता चली गई होगी हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू कि हमने आपको बताया था कि ये इंटरनल इंजरी के चलते इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों एक और बुरी खबर शुभमन गिल की तरफ से आ रही है। जो इंजरी के चलते ये आउट हुए थे वो केवल पहले ही टेस्ट मैच से हुए थे, बट आपको बता दें दोस्तों ये आईपीएल के सीजन से भी बाहर हो सकते हैं। आपको इनकी रिप्लेसमेंट पता चली गई होगी कि अभिमन्यु ईश्वरन इनके लिए रिप्लेसमेंट देखी जा रही है और हो सकता है दोस्तों कि बहुत ही कम टाइम में अभिमन्यु ईश्वरन इनको ना सिर्फ इंडिया की टीम में बल्कि केकेआर की टीम में भी रिप्लेस कर दें। वहीं आपको बता दें दोस्तों अब सब टिका है शुभमन गिल की सर्जरी के ऊपर। अगर वो सक्सेसफुल होती है तो शुभमन गिल आईपीएल के कुछ मैचेस मिस कर सकते हैं, शुरू के आईपीएल मैचेस भी खेल सकते हैं। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना कि शुभमन गिल प्लेइंग 11 में होने चाहिए या फिर बाहर हो जाने चाहिए केकेआर की टीम से। दूसरी अपडेट आ रही है नए चेयरमैन को लेकर। दोस्तों रिसेंटली जो यहां पर ट्रेंड है वो चालू कर दिया है आरसीबी ने, रिसेंटली नए चेयरमैन को अपॉइंट कर लिया है और अब सिमिलरली कॉपी करने वाला है केकेआर। और केकेआर दोस्तों एक नया चेयरमैन अपॉइंट करेगा और इस चेयरमैन का जो रोल है वो ये है कि प्रैक्टिस कैंप कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, प्लेयर्स को कितनी सैलरी दी जाएगी, इसके अलावा कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, यानी दोस्तों ये मैनेजमेंट और प्लेयर्स दोनों का ध्यान रखेगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी बात है। वहीं जो चेयरमैन की बात करें तो ये यूएई बोर्ड के अंदर से कोई चेयरमैन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। केकेआर यहाँ दिमाग लगा रहा है क्योंकि सारे मैच यूएई के अंदर ही हैं। तीसरी अपडेट आ रही है वरुण चक्रवर्ती को लेकर। दोस्तों आप सभी को पता है कि पहला केस आईपीएल के अंदर बायो बबल तोड़ने के बाद वरुण चक्रवर्ती ही आए थे और उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था, जहां बायो बबल के ऊपर ये रूल था कि जो भी प्लेयर पॉजिटिव आएगा या बायो बबल तोड़ेगा वो 7 दिन के लिए आने वाले मैचों से बाहर हो जाएगा। बट दोस्तों रिसेंटली श्रीलंका बोर्ड ने एक बहुत ही करिश्माई काम किया है, जहां उनके कुछ प्लेयर्स ने रूल तोड़ा तो उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया। वहीं बीसीसीआई ने भी दोस्तों अब अनाउंस कर दिया है कि वो 1 साल के लिए प्लेयर को बैन कर देगी और ये 1 साल दोस्तों अभी का 1 साल नहीं बल्कि आने वाला 1 साल जो कि मेगा ऑक्शन का। तो अगर वरुण चक्रवर्ती फिर से बायोसिक्योर बबल तोड़ते हैं या कोई और प्लेयर तोड़ता है तो वो मेगा ऑक्शन से भी हाथ धो बैठेगा। तो दोस्तों यदि टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक।